अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीन की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। प्यारे इस्लामी भाइयों और अजीज दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं तीन इस्लामिक सवाल और उनके जवाब। तीन ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये तीन ऐसे सवाल हैं जो हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। हमारा सबसे पहला सवाल होगा, शफा पहाड़ी को सफा और मरबा पहाड़ी को मरबा क्यों कहते हैं? इसका जवाब ये है, सफा पहाड़ी को सफा इसलिए कहते हैं कि उस पर आदम सफ़ीउल्लाह बैठे थे, और मरवा पहाड़ी को मरवा इसलिए कहते हैं कि उस पर हज़रत हव्वा बैठी थी। मरवा यानी मरवा के मायने मैरात औरत के आता है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल हमारा ये है, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कब्र कहाँ पर है? इसका जवाब यह है, नज़्फ़े असराफ में, किताब क्या आप जानते हैं, पेज 410 में हवाला मौजूद है। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा ये है, एक रकात में कुरान ख़त्म करने वाले कितने लोग हैं? माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। और इसका जवाब ये है, चार लोग हैं। नंबर एक हज़रत उस्मान गनी, नंबर दो हज़रत तमीम दारी, नंबर तीन सईद बिन ज़ुबैर, नंबर चार इमाम आज़म अबू हनीफा। किताब क्या आप जानते हैं, पेज 112 में हवाला मौजूद है। प्यारे इस्लामी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसे लाइक करके ज़रूर जाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम तीन लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इन पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह इसका सवाब आपको ता कयामत तक मिलता रहेगा, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।